अच्छा, गुड मॉर्निंग। हम लोग होम साइंस में खंड क का दूसरा पाठ पढ़ रहे थे, व्यवस्था गृह और परिवार के संदर्भ में। तो इस पाठ में बच्चों हम लोग व्यवस्था की अवधारणा, गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा, गृह व्यवस्था के पद या सोपान और गृह व्यवस्था के उद्देश्य, गृह व्यवस्था का नेतृत्व, गृह व्यवस्था के लिए आदर्श गृहिणी के गुण, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के सिद्धांत। गृह व्यवस्था के सिद्धांत आपका ये हेडिंग है, इसमें देखिए इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। गृह व्यवस्था अपने आप में एक व्यवस्थित कार्य योजना है। गृह व्यवस्था की सफलता के लिए कुछ सिद्धांतों को निर्धारित करना आवश्यक होता है, जो कि निम्नलिखित है। और इसमें आपके चार पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखिए, परिवार के सदस्यों की अभिरुचि के अनुसार ही कार्य व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे सुखी, स्वस्थ व संतुष्ट रहें। दूसरा है आपका सिद्धांत, पारिवारिक आय के अंतर्गत व्यय करके बचत करना, अर्थात उत्तम गृह अर्थव्यवस्था को बनाए रखना। जो भी पारिवारिक आय है, जो भी इनकम है, जो घर में पैसा आता है, उसी के अंतर्गत व्यय माने खर्च करके बचत करना, एक उत्तम गृह अर्थव्यवस्था को बनाना है। तीसरा है कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि संपूर्ण कार्य अधिकतम कुशलता के साथ संपन्न हो सके, संपन्न हो और श्रम की बचत का ध्यान रखना। घर में जो भी कार्य है, इस तरह से व्यवस्था करना कि संपूर्ण कार्य को कुशलता के साथ संपन्न भी हो जाए और मेहनत की, श्रम की, परिश्रम की भी बचत हो। चौथा है आपका, संपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कार्य का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों का मनोरंजन और उचित अवकाश भी प्राप्त होता है। ये हुआ आपका गृह व्यवस्था के सिद्धांत। अब गृह व्यवस्था के अनेक सिद्धांत हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए चार पॉइंट्स है। पहला, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। दूसरा, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। तीसरा, श्रम की बचत का सिद्धांत। चौथा, अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। ये चार पॉइंट है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि शब्द से ही सब स्पष्ट हो रहा है, इसको आप लोग भी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि और पहले के पाठों में भी यही सभी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, घर में जो कार्य, घर के अंतर्गत जो भी कार्य होता है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए। तो ये परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की उचित रूप से पूर्ति करना सफल गृह प्रबंध तथा कार्य व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। जैसे भोजन, वस्त्र व मकान, भोजन, वस्त्र व मकान, ये सभी की बहुत ही आवश्यक आवश्यकता है हर सदस्य के लिए। तो परिवार के सभी सदस्यों को अनिवार्य आवश्यकताओं की उचित रूप से पूर्ति करना है। दूसरा है आपका अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। परिवार की आय के साधन सीमित होते हैं। अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था जैसे अर्थ मतलब पैसा होता है, पैसे की व्यवस्था घर में जो करना है, तो आय जो है वो क्या है, सीमित है। और उसी सीमित आय के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी अनिवार्यता के क्रम में हो सके। तो जो बहुत ही अनिवार्य चीज़ें हैं, जो आवश्यक है, तो सबसे पहले वही कार्य आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए
पारिवारिक बजट का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक और उपयोगी होता है। अर्थव्यवस्था को सही रखने के लिए सबसे आवश्यक है बजट बनाना। सीमित आय होती है तो उसी के अंतर्गत हम यदि बजट बना करके घर की व्यवस्था को चलाएं तो घर का खर्च भी आसानी से चलेगा और कुछ थोड़ा बचत का भी उसमें प्राविधान रहता है तो बचत भी हो सकती है। तो उचित व्यय करते हुए, उचित तरीके से व्यय करना मतलब खर्च करके कुछ न कुछ बचा लेना भी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का में बहुत ही आवश्यक पहलू है। इसके अतिरिक्त बचत को उचित रूप से निवेशित करना भी आवश्यक है। जो भी बचत है उसको हम किसी भी योजना में उसको निवेश करें और ताकि उसमें अधिक से अधिक हमको प्रतिफल प्राप्त होता है। इसके लिए बैंक तथा डाकघर में बचत करने के बारे में उचित ज्ञान रखना भी आवश्यक है और बैंक तथा डाकखानों में अनेक योजनाएं होती हैं, उसी में हमको अपनी जो भी बचत होती है उसको उसमें निवेश करना चाहिए। ये हुआ आपका अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। तीसरा है श्रम की बचत का सिद्धांत। ये शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, श्रम मतलब मेहनत, परिश्रम। तो इस प्रकार से घर की व्यवस्था हो जिसमें श्रम की बचत हो सके। तो कार्य को इस प्रकार से करना और घर के जो भी सदस्य हैं उनसे कराना भी आवश्यक है कि कम समय में अधिक कार्य हो सके और प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम श्रम की आवश्यकता पड़े। शक्ति कम लगाकर अधिक निपुणता प्राप्त करना अधिक सफल गृहिणी बनाता है। तो इसके लिए कार्य करने का सही तरीका सही विधि तथा घर में काम आने वाले विभिन्न साधन, जो भी घर में साधन होते हैं, यंत्र होते हैं, जो उपकरण हैं आदि के उचित उपयोग का ज्ञान भी आवश्यक है। कि समय की बचत करना है तो घर में जो भी साधन है, जो उचित उपकरण है, यंत्र है, जो भी इसके द्वारा हम कार्य करते हैं तो उनकी जानकारी भी होना आवश्यक, उन उपकरणों का उपयोग करने का ज्ञान भी आवश्यक है। श्रम के लिए शक्ति संचय का सिद्धांत विभिन्न कार्य को तो कुशलता पूर्वक कराने में सहायक होता ही है, साथ ही आगे भावी उन कार्यों के लिए भी व्यक्ति को सचेत करता है। ये हुआ आपका श्रम की बचत का सिद्धांत। चौथा है अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। लगातार कार्य करते रहने से शारीरिक तथा मानसिक थकान होती है। कोई भी हो, चाहे आप या हम, कोई भी एक जैसा कार्य करते करते लगातार कार्य करने के बाद क्या होता है, शारीरिक और मानसिक थकान होती है। अब इस थकान को कम करने के लिए शारीरिक रूप से विश्राम भी आवश्यक है और मानसिक रूप से मनोरंजन आवश्यक है। तो गृहिणी को परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए पर्याप्त अवकाश की व्यवस्था कार्य व्यवस्था में ही निर्धारित होनी चाहिए। जो हमारी कार्य की व्यवस्था है उसी में पर्याप्त अवकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्वस्थ मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन से अवकाश के समय का सदुपयोग भी होगा और मानसिक चेतना को फिर से कार्य में लगाने के लिए एक नई स्फूर्ति भी प्राप्त होगी। जैसे रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं, अनेक पुस्तकें होती हैं, मनोरंजन के विभिन्न साधन घर पर भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिससे विश्राम के समय में उनका सदुपयोग किया जा सके।